नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेबीटी बैचवाइज भर्ती लेटेस्ट बिग अपडेट्स के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही है आपसे, लाइक और शेयर अभी से कर दीजिए, और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जेबीटी बैचवाइज भर्ती पर सस्पेंस, आचार संहिता से पहले प्रक्रिया पर बना संशय, प्रशिक्षुओं में डर। हिमाचल के स्कूलों में जेबीटी की बैचवाइज भर्ती पर सोमवार को शिक्षा विभाग कानूनी राय लेगा। इस राय के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये भर्तियां हो सकेंगी या नहीं। भर्तियां स्थगित होने से जेबीटी प्रशिक्षु भी अब चिंता में हैं, और उनका यह डर सता रहा है कि यदि शिक्षा विभाग ने इन भर्तियों के लिए इस हफ्ते मंजूरी नहीं दी तो यह मामला लटक जाएगा। ऐसे में अब सोमवार को ही इस मामले में स्थिति साफ होने की उम्मीद है। दरअसल मंडी और कांगड़ा जिला के उपनिदेशकों ने नियुक्ति की डेडलाइन के आखिरी दिन कुछ क्लेरिफिकेशन निदेशालय से मांगी थी। मंडी के डिप्टी डायरेक्टर ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक से पूछा था कि जेबीटी के साथ जो बीएड वाले अभ्यर्थी आ गए हैं उनको लेकर क्या करना है, मेरिट बनाने के लिए तारीख बीएड की लेनी है या जेबीटी की। दरअसल जेबीटी की भर्तियों में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी कर रखी है, क्योंकि काउंसलिंग में अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता का एक अंक मिलता है। इसलिए कई अभ्यर्थियों ने बीएड का सर्टिफिकेट भी काउंसलिंग के दौरान लगा दिया। इस वजह से कुछ जिलों के उपनिदेशक फिर से उलझ गए हैं। मंडी जिला में ही करीब 80 अभ्यर्थियों से बताया जा रहे हैं जिनके बीएड सर्टिफिकेट लगे हैं। दूसरी तरफ कांगड़ा जिला के डिप्टी डायरेक्टर ने पत्र लिखकर यह पूछा है कि काउंसलिंग के दौरान उन्होंने बीएड के अभ्यर्थियों को अवसर ही नहीं दिया था। हैरानी की बात यह है कि यह पत्र भी आखिरी दिन लिखा गया। इस तरह के सवाल आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने फिलहाल बैचवाइज नियुक्तियों को पोस्टपोन कर दिया गया था, और अब इस मामले में अगले आदेशों का इंतजार है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करना। मिलते हैं अगली जेबीटी भर्ती की बिग अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।